जल्दी का काम शैतान का। डिंग डिंग। ओ कैनिची, उठो कैनिची। ओ कैनिची, तुम क्लास में भी सो रहे हो, उठो प्लीज। उठ जाओ कैनिची, सर तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है। अरे क्या बोलते हैं, सीधी पकड़ो। आज का मौसम बहुत सुहाना है। कैनिची निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो दौलत। कैनिची देखा, आज मैं अकेला ही मार्केट से चीजें खरीद के लाया। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है क्या? अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा कुछ हो ना तो तुम्हें जोर से चिल्लाकर घुट गई के कहना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं चिल्लाकर देखता हूँ। घोचू कहीं के, सर आप बहुत बड़े घोचू हैं। आपकी आंखें नहीं बटन है, आपके कानपुर में हड़ताल है। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है ना। मजा तो मैं तुम्हें चखाऊंगा। अब तुम्हें होमवर्क को 20 बार लिख कर लाना पड़ेगा। बच गई बैंड। मुसीबतों की जड़ मुंह से निकली बात होती है, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे सपना थोड़ी आया था कि सर भी उसी समय वहाँ से होकर जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें वो आइडिया नहीं देनी चाहिए थी। प्लीज रोना मत। लेकिन अगर तुम जोर से चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालते हो तो तुम्हें अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन चिल्लाने की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है, इसीलिए मेरा अब दोबारा चिल्लाने का कोई मूड नहीं है। चिंता मत करो कैनिची, इस बात का भी सलूशन है मेरे पास। तुम सच कह रहे हो? फिर तो मैं जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लेता हूँ। डिंग डिंग। इसे 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? तुम इस सवाल में मेरी मदद करो ना हथौड़ी। पर मेरी मैथ्स तो बहुत खराब है। डिंग डिंग। ये आवाज कैसी? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है पापा गा रहे हैं। इसे गाना नहीं, दिमाग की बैंड बजाना कहते हैं। आपकी बेसुरी आवाज से कान के पर्दे फट रहे हैं। अपनी फटी आवाज से पूरे मोहल्ले को जगाओगे क्या? लगता है तुम्हारे पापा पर गाने का भूत सवार हो गया है। वो हमारी कोई भी बात नहीं माने, लेकिन इतने शोर में तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकता। मम्मी तो शोर में दाल रहे लोग। मैं भी चाहता हूँ। हथौड़ी तुम कुछ मदद नहीं कर सकते क्या? मैं राइस केक से आवाज गुल करने की कोशिश करता हूँ। राइस केक से आवाज गुल करने की निंजा टेक्निक क्या होती है? ये आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए किसी जगह को साउंड प्रूफ करने जैसा है। गाना सुन लो दुनिया वालों, मैं गाऊं गाना। वाह क्या बात है हथौड़ी, मेरी राइस केक से आवाज गुल करने की निंजा टेक्निक काम कर गई। पता नहीं कैनिची के पापा को ये बात पता चलेगी या नहीं। इसका पता तो किसी को नहीं चलता मम्मी। और उन चमकने वाले डॉट्स का क्या मतलब है? वो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं। अरे वाह। लगे रहो पापा। अरे वाह, ये अंदर से भी कितना सुंदर है। आप एक नंबर के घोचू हैं, आपकी आंखें नहीं बटन है। सर मुझे होमवर्क से नफरत है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मेरा मन भी उसके अंदर जाकर जोर से चिल्लाने का कर रहा है। अभी ट्राई कर लीजिए, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। लगता है मम्मी के दिल में भी बहुत भड़ास है, जिसे वो जोर से चिल्लाकर निकालना चाहती हैं। और फिर उस आवाज का क्या होता है जो इस राइस केक में बंद हो जाती है? मैं उसे स्क्रोल में बंद करके कहीं दूर फेंक आता हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं वो सारे डॉट्स वहाँ से हटा सकता हूँ ना? हाँ क्यों नहीं। डिंग 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 निंजा टेक्निक का तो जवाब नहीं। डिंग, चलो काम पूरा हो गया। कैनिची जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ, आज मैं फिर लेट हो गया।
क्या? जल्दबाजी में कैनिची गलती से अपनी ड्रॉइंग्स की जगह तुम्हारा स्क्रॉल लेकर चला गया है थोड़ी, अब क्या करें? ये तो गड़बड़ हो गई मम्मी। जल्दी करो कैनिची और तेज भागो, जल्दी करो नहीं तो आज फिर से डांट पड़ेगी। चलो अपनी अपनी ड्रॉइंग्स लाकर मुझे दे दो। मैं आई कम इन सर। डिंग 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 डिंग। चलो मुझे देर नहीं हुई। खुल जा खुल जा खुल जा। जल्दी का काम शैतान का। डिंग डिंग।